नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व 10 सेंटेंसेस ऑफ सब्जंक्टिव एंड कंडीशनल्स। आपके एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं जहां पर आपको सब्जंक्टिव यानी जो मूड्स ऑफ वर्ब जिनको हम कहते हैं वो फॉर्म आपको फिल करनी होती है। सो वहां पे कुछ क्वेश्चंस कंडीशनल के भी हो सकते, कुछ जेनरिक फ्रेजेस के भी हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज जस्ट स्ट्रक मिडनाइट, इट इज हाई टाइम। व्हेनेवर वी फाइंड दिस फ्रेज इट प्लस बी प्लस हाई टाइम या टाइम ओनली, इट्स टाइम और इट्स अ हाई टाइम। जब भी आपको ये फ्रेज मिलेगी, ये एक जेनरिक फ्रेज है, इस तरह के सेंटेंसेस में जनरली आपको ये मिलेगा, तो आप क्या लगाएंगे उसमें? पास्ट सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव कौन सी वर्ब होती है? सब्जंक्टिव इज अ मूड ऑफ वर्ब विच रिमेन्स एग्जैक्टली सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन वर्ब वही रहती है। दो तरह की होती है, एक तो बेस फॉर्म में और एक होती है पास्ट सब्जंक्टिव। पास्ट सब्जंक्टिव मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म। जहां पर सेकंड फॉर्म चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी हो यही रहेगा, और जहां पर फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे सेम रहती है, तो वो कंडीशंस क्या होती है? सब्जंक्टिव रहती है। ये स्पेशल जगह पे यूज होती है, तो एक तो यहाँ पे ये जगह है, इसको आप याद कर सकते हो आसानी से। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, और उसके बाद में यहाँ पे दो स्ट्रक्चर होती हैं, इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव। इट इज टाइम टू लीव, इट इज टाइम टू लीव, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक और स्ट्रक्चर है, इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट देन इन्फिनिटिव, इट इज टाइम फॉर अस टू लीव। और अगर दैट क्लॉज आती है, इट इज टाइम प्लस दैट क्लॉज, तो वहां पे यूज होगा सब्जंक और बल्कि पास्ट सब्जंक। सो इट इज टाइम वी लेफ्ट, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही मिलेगी आपको, इट इज टाइम वी लेफ्ट। यहाँ पे दैट क्लॉज कॉन्टेक्ट क्लॉज कहते हैं इसको, जहां दैट क्लॉज में दैट ना हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट क्लॉज। तो यहाँ पे इट इज टाइम दैट अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, सो इट इज टाइम दैट वी लेफ्ट या इट इज टाइम वी लेफ्ट। इट इज टाइम वी टू लीव, ये गलत हो जाएगा, या तो हो इट इज टाइम फॉर अस टू लीव, फॉर अस टू लीव ये हो सकता है, इट इज टाइम टू लीव हो सकता है, सिंस वी आर यूजिंग वी एंड दैट क्लॉज, सो आपका आंसर जो होगा इट इज टाइम वी लेफ्ट। ये लेफ्ट क्या? पास्ट सब्जंक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टॉक्स एज इफ, एज इफ एज दो, ये क्या बनाते हैं? क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। और यहाँ पे ये सेकंड कंडीशनल में भी आता है, सेकंड कंडीशनल में, सो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? इट इज एज इफ और एज दो के बाद में जब भी आएगा, या तो वर आएगी अगर स्टेटिव वर्ब है, अगर स्टेट को शो करना है तो वर, और या फिर एक्शन है, ये स्टेट तो वर्ब और एक्शन है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये आप यूज करोगे हमेशा। एज इफ, सो एज इफ ही वर मैड, ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, अगर स्टेट वाला सेंटेंस ये हो जाएगा, ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। और अगर ये स्टेट की बात है और अगर एक्शन हो, जैसे यहाँ पे एक्शन है, तो फिर क्या हो जाएगा? हैड डन, ही टॉक्स एज इफ ही हैड डन all the work himself। ये second conditional मतलब क्या? Unreal situation। He has not done all the work। He talks as if। So second conditional का जो है यहाँ पर, और या फिर adverbial clause of manner जहाँ पे as if वाला है, तो कई जगह आपको ये मिल सकता है as if he has done, वो भी मिल सकता है, लेकिन जो examination के point of view से आपसे expect होगा वो यही होगा कि as if या as दो के बाद में आप had plus पास्ट पार्टिसिपल यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश, आई विश कौन से वाले? ये भी सेकंड कंडीशनल में आते हैं, ये यहाँ पर भी आई विश जो काश वाले हैं, अनरियल सिचुएशन, तो आई विश प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये अगर एक्शन है, और अगर है स्टेट कोई सिचुएशन है तो फिर वहां पर आ जाएगा वर। आई विश आई वर अ किंग, तो वहां पर वर क्या है? ये पास्ट सब्जंक्टिव है। आई विश आई वर अ किंग, या if only I were a, अगर एक्शन होगा तो फिर इसमें क्या आ जाएगा? Had asked, I wish I had asked the fishmonger to clean these fish। In fact ये वाला जो है exactly third conditional का है, where the things are not in your control, you have already done the things, काश fishmonger को फिश क्लीन करने के लिए कहा होता, मतलब यू डिड नॉट आस्क द फिश मॉन्गर टू क्लीन द फिश, दैट्स व्हाई गॉट द डर्टी वन, सो नाउ यू फील रिग्रेटफुल। सो इन दिस सिचुएशन आई विश, इफ ओनली, इस तरह के जितने भी होंगे, ओ दैट, वुड दैट, इन सब के साथ में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। सो आई विश आई हैड आस्क्ड
द फिशमॉन्गर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई'ड लाइक टू गेट अ जॉब. हस्बैंड, आई'ड मच रेदर यू. अब ये वाला कौन सा है, अपोस्ट्रोफी डी, उसके बाद में अगर आता है रेदर तो ये क्या समझा जाता है, वुड रेदर. और ये किसके लिए यूज होता है, रेफरेंस. एक होता है अपोस्ट्रोफी डी प्लस बेटर, ये क्या होता है, हेड बेट. ये किसके लिए होता है, एडवाइस, एडवाइस या फिर ऑब्लिगेशन, व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड डू, शुड के सेंस में. इसके साथ जो बेस फॉर्म लगेगी हमेशा हेड है, फिर भी बेस फॉर्म लगेगी यहाँ पे, हेड बेटर डू. वुड रादर, वुड रादर के साथ में अगर सेल्फ एक्शन है तो क्या लगेगी, बेस फॉर्म. और अगर है वुड रादर प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्या लगेगी, पास्ट सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म. अब जैसे यहाँ पर है आई'ड मच रादर यू, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेड, स्टेड एट होम. अगर सिंपली ये होता आई'ड रादर स्टे एट होम. अगर है आइड रादर प्लस ऑब्जेक्ट, सो यहां पर क्या लगेगा आपका, पास्ट सब्जेक्टिव यानी पास्ट फॉर्म, ये आपको याद रखना है. हैड बेटर के बाद में बेस फॉर्म ही आनी है. सो आइड मच रादर यू स्टे एट होम, यानी आई वुड लाइक यू टू स्टे एट होम. इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, आई वुड प्रेफर यू टू स्टे एट होम. सो उसी का सेंस आप यहां पर दे रहे हो, तो आई वुड रादर You stayed at home. And अब and में ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है, यानी लुक के लिए I'd much rather you continue माना जाएगा. And looked after the house. ये आपको as it is याद कर लेना. Next, if you, अब verb की form लगानी है यहाँ पे, है conditional का ये. Which conditional? अब यहाँ पे आपका first conditional भी हो सकता है, second भी हो सकता है, third भी हो सकता है. इसके लिए बेहतर होगा कि आप पूरा सेंटेंस जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज को आप चेक करिए क्या है. प्रिंसिपल क्लॉज अगर वुडंट हैव, ये अगर वुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, इन तीनों में से कुछ और है, कुछ है, तो आप यहाँ पे अपनी कंडीशनल क्लॉज में क्या आ जाएगा, हैड प्लस पास्ट पार्ट्स, यहां से आप पता लगा सकते हो. अगर सिर्फ वुड होता, वुड, कुड, माइट, तो कंडीशनल क्लॉज में क्या होता, सिर्फ पास्ट. और अगर होता सिर्फ विल, मे, कैन, तो फिर कंडीशनल क्लॉज में क्या होता, फर्स्ट फॉर्म. दिस इज हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विच क्लॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ब यू नीड टू फिल इन. सो इफ यू हैड नॉट टेकन, करेक्ट फॉर्म क्या जाएगी, इफ यू हैड नॉट टेकन दोज फोटोग्राफ्स वी वुडंट हैव बीन अरेस्टेड. ये क्या पास्ट कंडीशनल है, पास्ट कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल या टाइप थ्री थर्ड कंडीशनल, जहां पे आप रिग्रेट फील करते हो या फिर आप जो नहीं हो सका उसके बारे में बात करते हो, द थिंग्स आर बियॉन्ड योर रेमेडी, बियॉन्ड योर कंट्रोल, जब उसकी बात करते हो तब आप क्या लगाते हो, थर्ड कंडीशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओनली, अभी बताया था आपको कि इफ ओनली, इफ ओनली के साथ एक और भी है, इट विल बी इन एक्सक्लेमेशन. इफ ओनली वाले सेंटेंसेस जितने भी होंगे वो काश वाले हैं. और ये क्या है, थर्ड कंडीशनल. अगर पास्ट की बात है, कोई पास्ट एक्शन की बात है, तो थर्ड कंडीशनल में आ जाता है ये. और अगर फ्यूचर को लेकर के आप बात करते हो, काश को, तो फिर ये सेकंड कंडीशनल. काश वाला सेंटेंस अगर आप बात करते हो, काश मैंने ये नहीं किया होता, तब आया, तब माना जाता है थर्ड कंडीशनल में. और अगर ये माने अनरियल सिचुएशन में मानते हो, काश मैं एक बर्ड होता, तो फिर ये सेकंड कंडीशनल में माना जाता है अनरियल, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल अनरियल कंडीशन, तो ये सेकंड कंडीशनल में. एक्शन होगा, अगर एक्शन होगा इफ ओनली के बाद में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म. और अगर स्टेट होगी तो फिर पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब. ये वर्ब जो होता है हमेशा पास्ट सब्जेक्टिव माना जाता है यहाँ पे, जब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे वर ही आएगा. तो यहाँ पे इफ ओनली आई वर Insured. ये जब बी की फॉर्म आएगी तब भी आपको वर ही लगाना है. यहाँ पे अगर ही भी है तब भी यहाँ पे वर होगा, शी भी है तब भी वर होगा, दे है अगर तब भी वर होगा, यू है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो यहाँ पे वर ही आएगा. तो इफ ओनली आई वर इंश्योर्ड, जब आपको बी की फॉर्म भरनी है तो पास्ट सब्जेक्टिव यूज करना है. इफ यू हैव अ पीप होल इन योर डोर, यू वुड हैव सीन हु स्टैंडिंग outside and kept the door shut. यहां पर भी conditional है. अब यहां पर have,
हैज और हैड तीनों आ सकता है, हैव हैड भी आ सकता है। ये हमें पता करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लॉज से कि ये कौन सी कंडीशनल को आप मानते हो। यहाँ पे वुड हैव सीन, वुड हैव सीन, तो वुड हैव सीन वाला किस में आ जाएगा, थर्ड कंडीशनल में आ जाएगा। थर्ड कंडीशनल में फिर क्या हो जाएगा, जहां पे हैव आएगा वहां पे ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब क्योंकि ये वर्ब ऑफ पोजेशन की बात है, तो इफ यू हैड हैड, हैव की थर्ड फॉर्म, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई और ये हो गई उसकी जो वर्ब ऑफ पोजेशन यानी फाइनाइट वर्ब। ये ऐसे काम करेगा जैसे ऑक्सिलरी प्लस वर्ब ऑफ पोजेशन। सो ऑक्सिलरी हैड और हैड के साथ में हैव की जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, हैड होगी। तो हैड हैड। If you had had a peephole in your door, you would have seen who was standing outside and kept the door shut. So, had had. Next, you talk as though. As though वाला भी बताया था, as if or as though. जहां पर भी होगा तो क्या होगा, अगर were की sense है, अगर be की form मांगी है, तो be की form मानी है तो वर आ जाएगा, एक्शन होता तो फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। सिर्फ इतना देखना है आपको, अगर बी की फॉर्म मानी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज दो या एज इफ के बाद में वर पास्ट सब्जंक्टिव आ जाएगा। अब भले यहाँ पे इट है लेकिन यहाँ पे आएगा वर ही, इट वॉज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, पास्ट सब्जंक्टिव है। आई विश, अगेन आई विश वाला सेंटेंस है, नॉट ट्राई यानी एक्शन है। तो अगर स्टेट होता तो आई विश के साथ क्या लगाते, वर, स्टेट होता तो वर लगाते, पास्ट सब्जेक्टिव, एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो आई विश आई हैड नॉट ट्राइड, आई विश आई हैड नॉट ट्राइड टू रिपेयर इट, आई ओनली मेड इट वर्स। ये कौन सा कंडीशनल हो गया, थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या हो गया, क्योंकि ये एक पास्ट एक्शन के बारे में बात हो रही है जो कि हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट टास्क and it was not done properly, now we feel regretful, so ये third conditional type 3 उसका sentence है। next, if only verb of possession, जब if only भी बताया था, if only I wish इनके साथ में अगर verb of possession है, verb of possession है जिसको कि have, तो और यहाँ पे हमें लगाना है past perfect, इनके साथ में अगर state है तब लग जाएगी were, यानी कि बी की फॉर्म पूछी है तो लग जाएगी वर, लेकिन एक्शन है, एक्शन है और ऊपर से है वर्ब ऑफ पोजेशन, तो फिर हमें ध्यान रखना होगा हैव की हमें क्या लगाना, पास्ट फॉर्म, हैव की पास्ट परफेक्ट, और हैव का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड इसकी ऑक्सिलरी वर्ब और हैड इसका जो वर्ब ऑफ पोजेशन की थर्ड फॉर्म। वर्ब ऑफ पोजेशन भी एक तरह की फाइनाइट वर्ब हुई, फाइनाइट वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म क्या हुई, Have में had, और इसके साथ past perfect बनाने के लिए क्या करना है, इसको had ही लगाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, had had। If only I had had a phone, सिर्फ ये नहीं कहोगे if only I had a phone, if only के साथ दो ही structure आपको follow करनी है, या तो अगर be की form पूछी है तो were, और action है चाहे वो verb of possession ही क्यों ना हो, तो वहां पे क्या लगाना है, past perfect। और पास्ट परफेक्ट हैव वाले में ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है, क्योंकि हम ये समझने लगते हैं कि हैड कर दिया तो इसका पास्ट कर दिया, तो हैव का हैड जो है सिर्फ पास्ट है, हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट हैव का क्या होगा, हैड हैड हमेशा रहेगा ये। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, होपफुली यू अंडरस्टूड दीज रूल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, make it as a point to do it right now. Thank you so much.